ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के भगवत गीता यथारूप के रीडिंग में स्वागत है। हम अध्याय नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम श्लोक नंबर 31 से अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत। पिछली दफ़ा जब हम श्लोक नंबर 30 पढ़ रहे थे तो उसमें से थोड़ी सी रीडिंग रह गई थी तात्पर्य की, जो मैं आज पूरी करना चाहती हूँ। श्लोक नंबर 30 अध्याय 9 की ये तात्पर्य परपट की थोड़ी सी रीडिंग है। उसमें है कि अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही देव वशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो, साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं करना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त ही की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल और अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है, भगवती च हरावन अनन्य चेता भ्रीषम मलिनो अपि विराजते मनुष्यः न ही शशक लुशश छवि कदाचित तिमिर पराभवता मुपैति चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाए जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा में खरगोश के धब्बे हैं, इस धब्बे से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती, इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार से निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। श्लोक नंबर 31 अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान का है कि हम रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शशव छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तात्पर्य इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि सातवें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप को पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा निदान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कोई कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है।
अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का अनवरत जाप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। श्लोक नंबर 32। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्रीय वैश्य और शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसका मैंने ट्रांसलेशन पहले बोल दिया है, सॉरी। श्लोक है, माहिम पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपीय यान्ति पराम गतिम। तात्पर्य यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च और निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परमधाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में 2.4.18 में कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति और शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण नहीं कर सकता। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के कारण मनुष्यों को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय और तामसी, वैश्य और शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में आ जाए, जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी और योगी से भी महान बन सकता है। श्लोक नंबर 33। किम पुनर ब्रह्मणा ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वामाम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजऋषियों के लिए तो क्या कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। तात्पर्य इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य और दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक और दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवद गीता से हम यह जान सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य और मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, यानी कि टेम्पररी है, किंतु एक दूसरा संसार भी है जो नित्य है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य और आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य कुल राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। श्लोक नंबर 34। मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त त्वैवाम आत्मनम मत परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे।
मुझको प्राप्त होगे। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मश ग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर और उनका मन स्वयं वे एक हैं और परम हैं, जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के 5वें अध्याय आदि लीला के श्लोक नंबर 41-48 की अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही विभेदो अयम नैश्रवरे विद्यते कचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर को पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति नीरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह कृष्ण का मामा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता था कि न जाने कब कृष्ण उनका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे, तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रामाणिक गुरु से ही सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन में स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब यह ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवत भक्ति के 7वें और 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग और सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा और निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति और अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत रहता है, वह सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक और योगियों से श्रेष्ठ माना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्तिहीन विहीन कार्य कम होते जाएंगे और शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्ति के पतन का कोई भी अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ का ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंत तो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये जो 9th श्लोक है, 9th चैप्टर का 34th श्लोक है, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, मन मना मत भक्तो मध्याजी नाम नाम नमस्कुरु, इसकी सेम यही लाइन फर्स्ट लाइन 18 चैप्टर के 65th श्लोक में भी सेम लाइन फर्स्ट लाइन वाला एक और श्लोक है, मन मना मत भक्तो, ये दो बार आता है भगवद गीता में। आप सबका
जुड़ने साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 10 से अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरे कृष्ण।